हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश मेहरा करण जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी जानते हो, अभी हाल ही में भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है पुलवामा में, अवंतीपोरा नामक स्थान पर। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इस दृष्टि से पूरा भारत शोक के सागर में डूबा हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से और अपने स्टूडेंट की तरफ से उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से जानने का प्रयास करेंगे कि इस संदर्भ में हमारे आने वाले एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो आप साथ में बने रहिए। हेडिंग डालिए, भारत में सबसे बड़ा आतंकी हमला। ये हुआ है 14 फरवरी 2019 को। ये जो स्थान है अवंतीपोरा में, ये अवंतीपोरा पड़ता है, इसका जो जिला है पुलवामा, पुलवामा जिले में ये पड़ता है। और यदि हम स्टेट की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में। अब हम इसमें हुआ क्या है, सीआरपीएफ की क्षेत्रीय बटालियन के 45 जवान शहीद हुए। देखिए, पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है जैसे मोहम्मद, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले की जो जिम्मेदारी ली है जैसे मोहम्मद, ये पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। इसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दरअसल घटना क्या घटित हुई, जैसे मोहम्मद का एक आतंकवादी जो था, ये विस्फोटक सामग्री से भरी हुई गाड़ी को इसने हमारे सीआरपीएफ की क्षेत्रीय बटालियन के काफिले से टकरा दिया, जिससे ये जवान शहीद हो गए। अब देखिए, हमें यहां पर किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो हमें यह पता करना पड़ेगा ये सीआरपीएफ क्या है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, आपसे इसमें ये क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये अवंतीपोरा का संबंध कौन से राज्य से है या पुलवामा का संबंध कौन से राज्य से है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। यहां पे तो यही क्वेश्चन बनेंगे, एक सीआरपीएफ पे किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उसकी अपने चर्चा करेंगे। दूसरा, पुलवामा ये इंपॉर्टेंट है, जनरल क्वेश्चन है ये। अब देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इसकी जो जांच है एनआईए को सौंपी गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब दोस्तों, ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे इसकी चर्चा करते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप इसे कह सकते हो राष्ट्रीय जांच एजेंसी। स्टूडेंट्स, अभी हमने ये हमले की बात की, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई है, तो ऑब्वियसली बात है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का काम क्या हो गया, भारत में घटने वाली आतंकवादी घटनाओं की जांच करना। लेकिन हमें इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। इसकी जो स्थापना हुई ये हुई 2009 में। देखिए, भारत में एक मुंबई हमला हुआ था, काफी फेमस हमला हुआ था वो। भारत में 2008 में जो मुंबई हमले के बाद हुआ था, मुंबई हमले के बाद इस संस्था की स्थापना हुई। आप एक लिख दीजिए, भारत में 2008 में हुए मुंबई हमले के बाद और इसकी जो स्थापना की केंद्र सरकार ने की, और केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना की NIA एक्ट 2008 के तहत। अब देखिए, NIA एक्ट 2008 के तहत हुई, तो अब आप देखिए ये किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक है या सांविधिक है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये केस, किस प्रकार की संस्था हो जाएगी, सांविधिक संस्था हो जाएगी। यहां मैं बताना चाहूंगा, जिस संस्था का उल्लेख संविधान में होता है वो संवैधानिक संस्था होती है, और वह संस्था जो कानून के तहत बनाई जाती है, जिसे सरकार बनाती है, वो सांविधिक संस्था होती है। आप बहुत ही सिंपल वे में समझना चाहो तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जिसके लिए आर्टिकल बना होता है वो संवैधानिक संस्था है, और जिसके लिए आर्टिकल नहीं होता या एक्ट के तहत जिसे बनाई जाती है वो सांविधिक संस्था होती है। आप देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत। अब देखिए, इसका जो हेड ऑफिस है ये है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये थे राधा विनोद राजू इसके पहले अध्यक्ष रहे, और जो वर्तमान अध्यक्ष है ये है वाईसी मोदी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। और काम की बात करूं, मैंने अभी आपको वो समझाया था काम, अभी जब इस आतंकी हमले की घटना की जांच ये कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है इसका काम हो गया भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाओं की जांच करना, आतंकवादी घटनाओं की जांच करना, ये इसका काम है। आइए अब देखिए, ये संस्था अन्य संस्थाओं से अलग कैसे है, क्या इसकी खास बात है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए इसी संस्था में विशेष में पहला पॉइंट लिखिए, देखिए दो विशेष बात है इसकी। एक तो यह विशेष बात है कि जब यह संस्था जांच करती है, किसी भी आतंकवादी घटना की जांच करती है, तो ऑब्वियसली बात है यह किसी राज्य में गठित होगी, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में गठित हुई। तो जब यह जांच करती है तो उस समय से राज्य सरकार से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला पॉइंट लिखिए, इस संस्था को जांच के समय
राज्य सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा जो है इसका अपना खुद का एक कोर्ट होता है, उसको स्पेशल NIA कोर्ट कहते हैं, जिसमें ये जांच करती है। तो इसका अपना एक विशेष कोर्ट है, आप सीधा डायरेक्ट ले लीजिए, स्पेशल कोर्ट है इसका, स्पेशल NIA कोर्ट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कोर्ट है ये। ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट है, यहां पर ये ध्यान रखें, इसमें जो जज की नियुक्ति है, जो जज को जो अपॉइंट किया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ध्यान रहे। इस कोर्ट में जो जज की नियुक्ति होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। बस इतनी सी बात है कि वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से ये करेगी। ये NIA है। अब देखिए, इसमें मैं वापस रिपीट कर दूं, एक तो ये सांविधिक संस्था है, पहली बात तो 2009 में गठित हुई है, ये नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। राधा विनोद राजू इसके पहले अध्यक्ष है, वर्तमान में YC मोदी है। भारत में आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है, जांच करते समय इसे राज्य सरकार से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि ये जांच करेगी, कार्रवाई करेगी, तो इसका अपना एक स्पेशल कोर्ट है, जिसे हम स्पेशल NIA कोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो स्पेशल NIA कोर्ट है, यहां पे आपके क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि इसमें जो जज की नियुक्ति होती है ये कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन हाई जिस राज्य में ये घटना घटित होगी उसके चीफ जस्टिस की सलाह से। अब दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि CRPF की 76वीं बटालियन के जवान शहीद हुए। यहां हमें थोड़ा CRPF को समझना पड़ेगा, किस तरीके से इस पे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो यहां तक जाने के लिए हमें सबसे पहले भारत के डिफेंस सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, पेज के बीच में लिखिए, भारत का डिफेंस सिस्टम। देखिए, भारत के डिफेंस सिस्टम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। भारत का जो रक्षा तंत्र है, जो डिफेंस सिस्टम है, इसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है मिलिट्री, मिलिट्री, और एक होता है पैरामिलिट्री फोर्स। और तीसरी है पुलिस। ये भारत का डिफेंस सिस्टम है, इसको तीन पार्ट्स में। कई बार आपने अखबारों में पढ़ रहे हो अर्धसैनिक बल, ये अर्धसैनिक बल है। तो इतना तो आपको पता लग गया होगा कि CRPF इसके अंदर आएगी। बात करते हैं हम इसकी। देखिए दोस्तों, ये जो मिलिट्री है, ये सेना है, और ये सेना जैसे तीन सेना में होती है अपने, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, ये इसके अंडर में आती है। तो इसके अंदर वायु सेना, जल सेना जिसको आप नेवी कहते हो, और थल सेना, ये इसके तहत आती है। अब देखिए इनका काम क्या है। अब देखिए, राज्य में यदि कोई घटना घटित होती है, तो कभी आपने सुना कि यहां वायु सेना आ गई या यहां पे नेवी आ गई? आप कभी नहीं सुनोगे।
देश के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती है उससे इसका मतलब नहीं होता है। बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए इनका गठन किया जाता है। किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया, किसी दूसरे देश के आतंकवादी संगठन ने यहां पर आक्रमण कर दिया, तो उनकी रक्षा के लिए करते हैं। जैसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करती है, ये युद्ध की स्थिति में होती है, ध्यान रहे ये। और इसका जो नियंत्रण होता है, इसका जो नियंत्रण करता है, ये होता है अपना डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। ये इनके नियंत्रण में काम करती है, वायुसेना, जलसेना, थलसेना, बाहरी आक्रमणों से रक्षा। जैसे हमला कर दिया तब ये करती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, चाइना ने हमला कर दिया, उस स्थिति में ये सेना लगाई जाती है। अब देखिए पैरामिलिट्री फोर्स क्या होती है। पैरामिलिट्री फोर्स केंद्र सरकार के अधीन होती है, केंद्र सरकार के अधीन होती है। अब इसमें कौन कौन सी आती है, कई बार आपने नाम सुना होगा, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे असम राइफल्स, असम राइफल्स हो गए। दूसरा जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा, ये आपके एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये इसके तहत आती है। आपने बहुत ही सिंपल नाम का भी सुना होगा, ब्लैक कैट, ब्लैक कैट ये होती है एनएसजी। और जैसे बीएसएफ, ये तो वेल नोन नेम है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सारी इसके अंदर आती है। और इसी के तहत इसके अंदर आती है सीआरपीएफ, सीआरपीएफ आती है। इसकी क्षेत्रीय बटालियन पर हमला हुआ है, तो यहां पर अपने ये ध्यान आपको लगा कि सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स में आती है, अर्धसैनिक बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब देखिए इसका काम क्या है। एक तो इसका जो काम है, कोई जानकारी मिलती है, जैसे कोई खुफिया जानकारी मिलती है, जो तो जो तलाशी अभियान चलाती है वो ये करती है। तो पहला लिख दीजिए, खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान चलाना। दूसरा काम लिख दीजिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान चलाना, ये सीआरपीएफ का काम होता है। तो ये ध्यान रहे, वर्तमान में ये चर्चा में है। अब देखिए ये पुलिस है, पुलिस जो होती है ये राज्य सरकार के अधीन होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है ये। और इसका जो काम होता है, आप कह सकते हो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखना, देखिए दोस्तों मैं वापस रिपीट कर रहा हूं और फिर मैं अपने पॉइंट पर आऊंगा। डिफेंस सिस्टम तीन प्रकार का, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस। मिलिट्री सेना होती है, बाहरी आक्रमणों से अपने रक्षा करती है, रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करती है ये, वायुसेना, जलसेना, थलसेना। अब ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, बहुत सारी होती है, जैसे बीएसएफ होगी, असम राइफल होगी, एनएसजी होगी, और इसी के तहत आती है एक सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका काम होता है खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी लेना, तलाशी अभियान चलाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। और राज्य में पुलिस को तो आप जानते हो, राज्य में पुलिस होती है, राज्य सरकार के अधीन काम करती है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने के लिए। तो हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि ये जो दोनों है, पैरामिलिट्री और
जो ये पुलिस है, यदि हम इनकी बात करेंगे पैरामिलिट्री और मिलिट्री की, इनका काम क्या हो गया? इनका काम हो गया आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, ये इनका काम हो गया। तो हमारे पास पूरा क्लियर हो गया, ये बाहरी सुरक्षा बाहरी आक्रमणों के लिए होती है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए होती है। इसको जो नियंत्रित करता है, मतलब इसका जो नियंत्रण होता है, ये गृह मंत्रालय करता है, होम मिनिस्ट्री, भारत का होम मिनिस्ट्री करता है। अब देखिए यहां पर आपने न्यूज में सुन रहे होंगे, जो राजनाथ सिंह है वो बोल रहे हैं कि हम इस हमले का बदला लेंगे, हम इसकी निंदा करते हैं। राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे गृह मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो गृह मंत्रालय आके स्टेटमेंट देगा इस संदर्भ में, और इस संदर्भ में यदि कोई घटना घटित होती है तो इनके अध्यक्ष वायुसेना, जल सेना, थल सेना, ये आकर उस घटना की जानकारी देंगे। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस, ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित होती है, जिन पर गृह मंत्रालय नियंत्रण रखता है। मिलिट्री जो होती है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना होती है, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करती है, जिसका नियंत्रण रक्षा मंत्रालय करता है। अब एक चीज मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, जो अभी मैंने आपको NIA कराया है उसमें एक चीज और नोट कीजिए। ये जो NIA है गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, आप वहां पर एक नोट डाल के लिख दीजिए, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में हमने जानने का प्रयास किया, जो आपके एग्जाम के लिए काफी मददगार साबित होगी। अब दोस्तों मैं कुछ फैक्ट लेकर आया हूं, आप उनको पॉइंट्स के रूप में लिख लीजिए और उनको अच्छे तरीके से कंठस्थ करें। जैसे मेरा पहला पॉइंट ये है, एक एशिया का देश है यूएई, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, उसका जो कोर्ट है उसमें तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया गया है। तो आप साथ साथ लिखते जाइए, यूएई के कोर्ट में तीसरी आधिकारिक भाषा हिंदी, हिंदी को दर्जा दिया गया है। तो ये अपने लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो पहली जो इसकी आधिकारिक भाषा है वो है अरबी, और दूसरी जो आधिकारिक भाषा है वो है आपकी इंग्लिश। ये है करंट की न्यूज। अब इसको आपने कैसे तैयार करना है? ये यूएई है, इसको कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए इसको तैयार करने के लिए, एक तो यदि हम इसके कॉन्टिनेंट की बात करें, जिसको हम महाद्वीप बोलते हैं, एशिया महाद्वीप का है ये, महाद्वीप जो है इसका एशिया है, तो एशियन कंट्री है ये, और इसकी जो राजधानी है ये अबू धाबी है, अबू धाबी है। यहां इस ये जैसे हम भारत की बात करें, तो हम भारत में देखते हैं तो भारत 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है, और ये जो बना हुआ है 7 अमीरातों से बना हुआ है, ये यहां अमीरात बोलते हैं, 7 अमीरातों से निर्मित है ये। तो ये एक फैक्ट हो गया अपने पास, हिंदी को जोड़ा गया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं ये करूंगा, दूसरा जो मेरा फैक्ट है वो ये है, देखिए किसान है, किसानों को केसीसी मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है। अब सरकार ने ये कहा है कि केसीसी के लिए प्रोसेसिंग शुल्क जो है वो नहीं लेगी, तो ये
किसानों के लिए गिफ्ट जैसा है। केसीसी पर जो 3 लाख की जो केसीसी होती है उस पर प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेगी। तो आप लिख दीजिए, किसानों से केंद्र सरकार केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख की जो केसीसी होती है उस पर प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेगी। तो ये किसानों को एक तोहफा दिया है। अब देखिए यहां पर आपके क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखिए दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड होगा। आप दो देखते हो, दो तरीके के कार्ड जनरल आप सुनते हो, एक होता है क्रेडिट कार्ड और एक होता है डेबिट कार्ड। देखिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को जानने के लिए हम ये कह सकते हैं, आप एक साइड में लिख दीजिए क्रेडिट कार्ड और दूसरे साइड में लिखिए डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अब देखिए क्रेडिट कार्ड का तो मतलब ये होता है कि सरकार इसमें आपको पैसा देगी, सरकार पैसा देगी और उस पर आपसे थोड़ा ब्याज लेगी, और ये आपके अकाउंट में नहीं होंगे। आपके अकाउंट में नहीं है पैसा तो एक लिमिट होगी आपकी, और अकाउंट में पैसा नहीं है लेकिन आपको पैसा मिल जाएगा। धन जमा ना होने की स्थिति में भी यदि खाते में पैसा नहीं है तो भी आपको पैसा मिलेगा। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, अकाउंट में पूंजी नहीं होगी लेकिन फिर भी एक निश्चित ब्याज पर निश्चित पूंजी उपलब्ध करवाई जाएगी। अब डेबिट कार्ड क्या होता है, जैसे एटीएम। अब डेबिट कार्ड में क्या होता है, आप उतना ही पैसा निकाल सकते हो जितना आपके अकाउंट में है। तो इसमें लिख दीजिए अकाउंट में जमा पूंजी को ही निकाला जा सकता है। दूसरा, इसमें आप देखिए इस पर तो ब्याज आप पर लगेगा, इस पर ब्याज नहीं लगता। तो ये क्रेडिट कार्ड हो गया और डेबिट कार्ड हो गया। अब यहां पर जो आपके एग्जाम में एसएससी में भी आया हुआ है कि प्लास्टिक मनी क्या है, तो दोस्तों ये जो दोनों है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन्हें ही हम कहते हैं प्लास्टिक मनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक मनी क्या होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है, आपको बैंक एक निश्चित राशि एक निश्चित ब्याज पर उपलब्ध करवाएगा। आपके खाते में पैसा नहीं है फिर भी आप वहां से पैसा निकाल सकते हो। डेबिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड में जितना पैसा आप जमा कराओगे उतना ही आप निकाल सकते हो, इसमें आपको ब्याज नहीं देना बल्कि बैंक ब्याज देगा। तो ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के बारे में उन्होंने चर्चा की। अब देखिए एक न्यूज है कि भारत के चुनाव आयुक्त चुने गए हैं। भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं
भारत के नए चुनाव आयुक्त ये है सुशील चंद्रा। ये न्यूज है। देखिए, चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, इनका संबंध क्या होता है? चुनाव आयोग से होता है भारत में। मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसको हम क्लास में बड़े विस्तृत रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में करते हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बातें बताऊंगा। देखिए, भारत में एक चुनाव आयोग होता है, भारत में चुनावी व्यवस्था के प्रबंधन में प्रशासन से संबंधित होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य या उपराष्ट्रपति हो गए, और इसके अलावा केंद्र से ये आपके लोकसभा के हो गए, और एनीबॉडी कोई भी चुनाव, ये चुनाव करवाने का जो काम करता है, उनका जो मैनेजमेंट करता है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ये चुनाव आयोग करता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 324 के तहत है। अब देखिए, एक चीज यहां पर ये ध्यान रखें, जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज के जो चुनाव होते हैं, उनके लिए राज्य सरकार, राज्य के अंदर में ही राज्य चुनाव आयोग उनका निर्वाचन करता है, उनका ये सेंटर वाला नहीं करता है। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था, इसी कारण से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। शुरू में अपने देखेंगे तो चुनाव आयोग में केवल एक सदस्य होता था, जिसमें प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ये सुकुमार सेन थे। अब वर्तमान में कौन है इसकी चर्चा करते हैं। आप एक टेबल बना लीजिए, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 324 में, इसके अंडर में क्या, इसकी संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और इसकी सहायता के लिए दो चुनाव आयुक्त होते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। अब हम यदि इसकी बात करें तो वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये है सुनील अरोड़ा, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, और दो चुनाव आयुक्त में एक है अशोक लवासा, और अभी जो बने हैं, ये जो पद रिक्त हो गया था उसकी जगह आए हैं सुशील चंद्रा। अब यहां पर मैं आपको एक एसएससी के क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कैबिनेट की सलाह से, लेकिन हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? मुख्य चुनाव आयुक्त को यदि हटाना है तो इन्हें संसद हटा सकती है, इन्हें संसद हटाएगी। देखिए, आप एक जनरल भाषा में इसको कह सकते हो कि महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि यदि संसद हटाने की प्रक्रिया संसद के द्वारा की जाती है तो ये महाभियोग होता है। लेकिन मैं यहां पर आपको अलर्ट करना चाहूंगा, महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए लागू होता है और किसी के लिए नहीं होता है। तो इन्हें संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, इनसे संबंधित प्रस्ताव संसद में पेश होगा, उसके द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन इन दोनों को हटाने के लिए, इन दोनों मतलब चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर हटा सकता है, इनके लिए संसद की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर हटा सकता है। तो ये थोड़ा हमने चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा, बाकी हम इसमें क्लास में इसको डिटेल से करते हैं। तो अब दोस्तों, आज हम इस संदर्भ में इतनी ही बात करेंगे। हमने कुछ प्रयास किया है, कुछ टॉपिक्स को जानने का प्रयास किया है, जिसके तहत ये CRPF हो गई और NIA हो गया, ये आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण होगी।
अब दोस्तों मेरा जो आगामी टॉपिक रहेगा वो आपने देख रहे होंगे, जैसे रॉबर्ट वाड्रा है, पी चिदंबरम है, इनको एक संस्था बार बार बुला रही है, ईडी। नाम सुन रहे होंगे, प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं ईडी। इसकी फुल डिटेल के साथ हम आगामी वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो आप लोग, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।